मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के द्वारा भी अपने प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बाकी सीटों पर भी धीरे धीरे अपने प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। हालांकि आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी तेजी से जो प्रत्याशी घोषित किए जाने थे उस तरीके से तो नहीं किए जा रहे, क्योंकि बाकी पार्टियां मध्य प्रदेश में काफी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर आपको बता दें कि प्रत्याशी जारी किए जाने और प्रथम चरण का जो नामांकन है वो करीब आपको बता दें 30 अक्टूबर के आसपास में, तो एक तरीके से देखें तो जिस तरीके से घोषित होनी चाहिए उस तरीके से तो अभी तक कई पार्टियों के टिकट है वो घोषित नहीं हुए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस बसपा ने बड़ी संख्या में टिकट है वो जारी किए हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी सूची आई है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पार्टी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार उन्होंने मुरैना क्षेत्र के अंदर गुज्जर और आपको बता दें कि यादव जो लोग हैं उनके ऊपर टिकट देकर मैदान में उतारी और ओबीसी समाज पर चंद्रशेखर आजाद की काफी ज्यादा फोकस है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पार्टी की तरफ से जारी की गई सीट के अनुसार श्यामवीर यादव को मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाली संबलगढ़ विधानसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसके अलावा मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाली मुरैना विधानसभा की सीट से पुरुषोत्तम सिंह कसाना गुज्जर को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाली अंबा विधानसभा सीट से सोमेश शकवार को टिकट देकर मैदान में उतारा है और आपको बता दें कि दातिया जिले के अंतर्गत आने वाली सेवड़ा विधानसभा सीट से दामोदर यादव को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो यानी कि पार्टी की तरफ से लगातार प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं और ये चार प्रत्याशी और घोषित किए हैं, जिनमें तीन आपको बता दें कि मुरैना जिले का है, एक दतिया जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट का है। तो खास तौर से ओबीसी को ही आपको बता दें कि इस प्रत्याशी सूची के अंदर आजाद समाज पार्टी की तरफ से तहरीज दी गई है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसे